हेलो हाय, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बनाते हैं वाटरमेलन जूस। तो चलिए करते हैं वाटरमेलन जूस बनाना स्टार्ट, बिल्कुल वैसे ही जैसे पुणे का फेमस वाटरमेलन जूस था अजमेरा में। आज मैं शेयर करती हूँ आपके साथ वही सेम रेसिपी। इजी वे में कट कर लेते हैं। हमें वाटरमेलन को इस तरीके से कट कर लेना है, ऐसे बनेगा। वाटरमेलन को आपको बस छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लेना है। जिस तरह ममता की कोल्ड कॉफी फेमस थी, उसी तरह अजमेरा का वाटरमेलन जूस फेमस था। मैंने भी फर्स्ट टाइम वाटरमेलन जूस वहीं पे ट्राई किया। वाटरमेलन जूस बनाने के लिए हम सबसे पहले एक जार में वाटरमेलन की क्यूब्स डाल देंगे। वाटरमेलन क्यूब्स डालने के बाद हम इसमें डालेंगे शुगर। शुगर ऑप्शनल है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा काला नमक, ब्लैक सॉल्ट। अब हम इसमें डालेंगे 5-6 पुदीने की पत्ती। ये उस जूस में नहीं होती थी जो मैं अजमेरा में पीती थी, बट यहाँ मैंने इसलिए ऐड किए क्योंकि मुझे वाटरमेलन और पुदीने का कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है। अब हम इसमें डालेंगे 2 पिंच काली मिर्च का पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे लेमन जूस। लेमन की सीड्स आप उसमें से निकाल दीजिए, अदरवाइज वो कड़वा फ्लेवर देगी। थोड़ा सा वाटर, बिल्कुल ही थोड़ा, जिससे कि वाटरमेलन जूस पिस जाए। वो ऑलरेडी पानी होता है तो हमने बहुत थोड़ा सा वाटर डाला है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे आइस क्यूब्स। बस अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस अब इसे ग्राइंड करना है। तो चलिए हम कर लेते हैं वाटरमेलन जूस को ग्राइंड। जूस हमारा हो चुका है ग्राइंड, अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, हमें जूस को तब तक पीसना है जब तक कि उसमें इस तरीके से फोम ना आ जाए। अब हम इसे छान लेंगे। छानने के लिए हम लेंगे एक ऐसी वाली छन्नी, एक जग। अब बस अब हम इसे छान लेना है अच्छी तरीके से। अब हम डालेंगे यहाँ हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जिसके वजह से अजमेरा का जूस इतना फेमस और इतना टेस्टी होता था। हम यहाँ डालेंगे वाटरमेलन के छोटे छोटे से कटे हुए क्यूब, ताकि जब भी हम वाटरमेलन को जूस पिए तो उसके साथ बीच बीच में मुंह में वाटरमेलन के चंक्स आए। वाव, आप भी जरूर बनाइए ये ड्रिंक, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये ड्रिंक कैसी लगी है। हॉस्टल में अक्सर हमें जूस पीने की बहुत आदत होती थी। गर्मियों में कुछ भी ठंडा खाने का मन करता तो हम अक्सर जूस पीते थे। और स्टूडेंट लाइफ में जूस पीना, और स्पेशली पुणे में तो आपको हर 5 मिनट के रास्ते में जूस सेंटर मिल ही जाएंगे। पुणे में एक जगह है अजमेरा नाम से, वहाँ का वाटरमेलन जूस बहुत टेस्टी होता था। और मैंने जब पहली बार वहाँ से जूस पिया था, उसके बाद से वाटरमेलन जूस मेरा फेवरेट जूस हो गया था। और फिर बस तब से मैं बनाने लगी घर पे बिल्कुल वैसे ही जूस जैसे पुणे में अजमेरा में हम पिया करते थे।